हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रही हो द अल्टीमेटम। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। दिस इज पार्ट 6 ऑफ करेंट अफेयर्स दिसंबर 2019। फ्रेंड्स, मैं वो ही क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आई होप आपको इस वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स विक्टोरी डे ऑन व्हिच डे? बांग्लादेश अपना विजय दिवस मनाता है किस दिन में? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 17 दिसंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 16 दिसंबर, यानी बांग्लादेश विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has left European Union's 2050 climate neutrality? European Union's 2050 climate neutrality को किस देश ने छोड़ दी है? Your options are option A Denmark, option B Poland, option C Sweden and option D Norway. The right answer would be option B Poland. Poland ने European Union's 2050 climate neutrality को छोड़ दी है। अगला क्वेश्चन, Japan launched world's first liquid hydrogen transport ship. What is the name of the ship? जापान ने दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन परिवहन जहाज लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए फुजी क्लास, ऑप्शन बी सुइजो फ्रंटियर, ऑप्शन सी मिकासा एंड ऑप्शन डी मिसामा। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी सुइजो फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच कॉन्टिनेंट was the world's deepest canyon discovered under Denman Glacier? विश्व के सबसे गहराई घाटी को Denman Glacier के नीचे किस महाद्वीप में खोजा गया है? Your options are option A Europe, option B Australia, option C North America एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। विश्व का सबसे गहरी घाटी को खोजा गया है अंटार्कटिका के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया होल्ड इन द 2019 WEAFS जेंडर गैप रिपोर्ट? 2019 WEFS जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत ने क्या रैंक हासिल की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 122 एंड ऑप्शन डी 112। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 112। WEFS जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 112। अगला क्वेश्चन, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी
19th December, option C, 20th December, and option D, 21st December. The right answer would be option A, 18th December. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? बोरिस जॉनसन किस देश का प्रधानमंत्री है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी बेल्जियम। दोस्तों बोरिस जॉनसन यूके का प्राइम मिनिस्टर है, यूनाइटेड किंगडम का। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ एयर एशिया इंडिया? एयर एशिया इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अंकुर गर्ग, ऑप्शन बी सुनील भास्करन, ऑप्शन सी एस रामादुराई एंड ऑप्शन डी मित्तुचंदीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंकुर गर्ग। एयर एशिया इंडिया का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में अंकुर गर्ग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज ओन मिस वर्ल्ड एशिया टाइटल रिसेंटली? हाल ही में किसने जीता है मिस वर्ल्ड एशिया टाइटल? योर ऑप्शन सर, ऑप्शन ए श्रेया शंकर, ऑप्शन बी संजना विज, ऑप्शन सी शिवानी यादव एंड ऑप्शन डी सुमन राव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुमन राव। मिस वर्ल्ड एशिया टाइटल सुमन राव ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच क्रिकेटर बिकम्स द फर्स्ट टू स्कोर हंड्रेड्स ऑन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई डेब्यू? कौन सा क्रिकेटर पहले टेस्ट और ओडीआई दोनों पर शतक बनाया? ऑप्शन ए साई होप, ऑप्शन बी शिमरन हेटमेयर, ऑप्शन सी आबिद अली एंड ऑप्शन डी निकोलस पुडन। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी आबिद अली, जो कि पाकिस्तान से है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवार्डेड विद द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019? स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? योर ऑप्शन सर, ऑप्शन ए रॉजर फेडरर, ऑप्शन बी बेन स्टोक्स, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी एंड ऑप्शन डी जेम्स हार्डन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेन स्टोक्स। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 दिया गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए आर एन रवि, ऑप्शन बी जगदीश मुखी, ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला एंड ऑप्शन डी श्रीधरन पिल्लाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर एन रवि, जो कि नागालैंड के भी राज्यपाल है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज लॉन्च्ड एन ऑटोबायोग्राफी?
titled Mind Master. Mind Master नामक आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए फेवियानो कैरुआना, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी डिंग लेरेन एंड ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद. दोस्तों माइंड मास्टर आत्मकथा लिखी है ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड 2019? दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार किसने जीती है? ऑप्शन ए एच एम नकवी, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन सी अमिताभ बागची एंड ऑप्शन डी जयंत कैकेनी. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ बागची. साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड 2019 अमिताभ बागची ने जीता है. दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया. वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. टिल देन बाय बाय.